नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा चैनल जो है पूरा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है, आईटीआई से संबंधित है। ठीक है, अपन जो कंप्लीट करने वाले हैं, वह जो कंप्लीट करने जा रहे हैं वह है आपकी विकिपीडिया, जो कि एग्जाम जो भी आईटीआई का एग्जाम करवा रही है वह सारा का सारा एग्जाम निम्मी करवा रही है। तो कंफर्म है 100% गारंटी के साथ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन निम्मी से आएंगे। तो इन पीडीएफों को आपको कंप्लीटली रट लेना है, समझ लेना है, सीख लेना है। तो अच्छी प्रकार से इनको घोल मटोल के, जैसे ही कहते हैं ना कि घोल के पी जाना है, तक भी अपना क्या है कि पार पड़ेगी। तो इन क्वेश्चनों को एक को भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से समझना है, सीखना है, और जिनको रटना है उनको रट लेना है। ठीक है, अपनी यह क्लास आज की 5वीं क्लास है, जिसमें अपना सेकंड चैप्टर, जिसके 18 तक क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया, आज अपन 19 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की 19 नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है अपना 90 डिग्री। देखो यहाँ पर 90 लिखा हुआ है और डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश भी देख लेना है, क्योंकि निम्न की जो ये लैंग्वेज है ना, ये हिंदी थोड़ी आपको कंफ्यूजन करेगी, समझ में कम आएगी, इसलिए आपको थोड़ा इंग्लिश भी देख लेना है साथ ही साथ। ठीक है, वैसे मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं पूरी की पूरी आपको करूंगा। फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, है ना, उसका निवारण करने की कोशिश अपन करेंगे। 90 डिग्री मोड़ और अंदर, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नोच है, नोच को मैंने अच्छी प्रकार से डिटेल से थ्योरेटिकल क्लास में करवा रखा है कि नोच क्या होती है। वैसे यहाँ पर नोच मैं बता देता हूँ कि नोच जो होती है ना, वह किसी भी चीज को मोड़ना हो, है ना, या उसको आकृति देना हो, तो उस तरीके का एक स्टे होता है नीचे रखने का, है ना। इससे पहले वाली क्लास में मैंने स्टे के बारे में भी बताया था, तो इस तरीके का स्टे होता है, जैसे कि यह इस प्रकार का, यहाँ पर वी नोच लिखा हुआ है ना, तो वी नोच कैसा रहेगा, इस आकृति का रहेगा, ये वी नोच। यहाँ पर कोई भी चद्दर रखा उसको पीटेंगे तो यह वी आकृति का उसका घुमा हो जाएगा, मोड़ हो जाएगा। तो 90 डिग्री मोड़, और अगर आपको किसी चादर को 90 डिग्री मोड़ना है, जैसे कि आपका जो चादर है वह कैसा चादर है, बिल्कुल ऐसा चादर है, प्लेन चादर है, इसको आपको क्या करना है, ऐसे 90 डिग्री पे मोड़ देना है। 90 डिग्री मोड़ना है तो आप किस तरीके के नोच का प्रयोग करेंगे, तो आप इस तरीके के नोच का प्रयोग करेंगे जो कि ऐसे घूम ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि 90 डिग्री यहाँ पर कितना एंगल लेके चलेगा, ये 90 डिग्री लेके चलेगा। तो जैसे अपन यहाँ पर इस पर चद्दर रखेंगे और उसको दोनों तरफ से दबा देंगे, दबाएंगे जैसे ये प्लेन चद्दर है ना, तो इसको मोड़ेंगे तो ये चद्दर कैसा हो जाएगा, ये चद्दर ऐसा हो जाएगा, इसके चिपक जाएगा, तो ये कैसे आकृति ले लेगा, 90 डिग्री एंगल वाली आकृति ले लेगा। तो इस तरीके से किस प्रकार की नोज का प्रयोग करेंगे अपन, तो वी नोज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वी नोज 90 डिग्री एंगल पर होती है, तो यहाँ पर वी नोच अपना सही रहेगा, क्योंकि अपन को 90 डिग्री इसको मोड़ना है। तिरछा जो होता है वह थोड़ा तिरछा सा होता है, कम घुमाव वाला होता है, तो तिरछा करेगा है। वर्गाकार, तो ये वर्गाकार नहीं रहेगा, सीधा नोच पे तो मुड़ा भी नहीं आएगा, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। कौन सा ऑप्शन अपना सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन, ये आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अपना, शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। सॉरी, हेम फोल्डिंग, यहाँ पर हेम फोल्डिंग का पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक होता है, शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक होता है, काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने से रोकता है, या शीट को क्षति से बचाना। हेमरिंग, हेमरिंग यहाँ पर हेम दिया है, लेकिन ये हेमरिंग होता है, अपन क्या करेंगे उसको, शीट मेटल के कार्य में हेमरिंग का क्या कार्य है, तो हेमरिंग का जो कार्य होता है
वह सीट को क्षति से बचाना होता है। अभी हैमरिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने किसी चंद्र को काटा, काटने के बाद वहां पर धार सी बन जाती है, तेज धार। तो इसको क्या कर देंगे अपन, फोल्डिंग कर देंगे, उस जगह को मोड़ देंगे। जैसे कि आपके घर में कोई महिला होगी, तो महिला जैसे कि साड़ी लेके आती है, तो वह पीको करवाती है, आपको पता होगा। तो साड़ी को पीको क्यों करवाती है, ताकि उस साड़ी के जो तार है ना वो नहीं खींचे, समझ रहे हो, तार नहीं खींचे और वह साड़ी सुरक्षित रहे। तो उसी तरीके से चादर, तो चादर जो होता है ना, तो यहाँ से जैसे काटते हैं तो इसका जो मुंह है उसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, मोड़ देते हैं। तो उसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे अपन, हेम फोल्डिंग कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, कि सीट को क्षति से बचाना इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। देखिए, लकड़ी में ऐसा कौन सा दोष होता है जो लकड़ी की शक्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो क्या घूमने वाला, घुमाने वाला है ना, कंपिंग, चटकना और अनियमितता। तो यहाँ से कौन सा आंसर सही रहेगा, तो यहाँ से भी अपना कौन सा सही रहेगा, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। कि ये जो अनियमितता जो होता है, यह है क्या कर देता है, यह क्या कर देता है कि लकड़ी में शक्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है, यह आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाँ देखिए, ये हैमर है, यहाँ पर हथौड़ा दिया है, लेकिन आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, इंग्लिश में कहते हैं हथौड़े को हैमर। जो हैमर शब्द है वो इंग्लिश शब्द है, और हिंदी में कहते हैं अपन हथौड़ा। हथौड़ा का क्या नाम है, यहाँ पर ये हथौड़ा दिया है, इसका नाम पूछा है। देखिए, यह तो भाग इसका फेस होता है, ये तो आपको पता होगा, इसको अपन पिन कहते हैं, और ये होता है हैंडल। ठीक, यहाँ पर वेज होता है, ये नाम भी आपको याद रख लेना है। हाँ, तो ये जो पिन होता है ना, इसी के अनुसार अपन इनके नाम दर्शाते हैं कि पिन कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर जो पिन है ना, वह यहाँ पर भी आकृति लिए हुए हैं, इस तरीके से कटा हुआ भाग है। तो ये जो कटा हुआ भाग होता है, ये कीले निकालने के लिए होता है। इस जबड़े में क्या करते हैं, कील को फंसा के, और उस कील को ऐसे करेंगे ना अपन, तो कील को ऊंचा तोक देता है, निकाल देता है। तो यह क्या करेगा, इसका नाम क्या है, नाम पूछा है, कार्य यहाँ पर पूछा नहीं है, नाम पूछा है। तो क्या क्लॉक हथौड़ा है क्या, तो यह क्लॉक हथौड़ा ही है। ठीक है, बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर कैसा होता है, तो यहाँ पर ऊपर बॉल होती है इस तरीके से, ये तो आपको पता भी होगा, पहले भी बता दिया, फिर बता देते हैं। ये बॉल पिन हैमर होता है, यहाँ पर बॉल होती है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर दिया है क्रॉस पिन हैमर, तो क्रॉस पिन हैमर में इस तरीके से कटा हुआ भाग होता है क्रॉस, ये तो स्ट्रेट पिन हो गया, ये जो बनाया ना मैंने, ये स्ट्रेट वाला हो गया, डी वाला। ठीक है, ये डी वाला हो गया स्ट्रेट पिन, और क्रॉस वाला होता है जो ऐसा होता है, यहाँ बना देता हूँ मैं क्रॉस वाला। देखिए, सभी को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो यही क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। ये होगा आपका क्रॉस पिन हैमर, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ऐसे ही बन रहा है, आप गूगल पर सर्च करके चित्र देख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके वैसे किताब में भी होगा, तो आपको लोड ज़्यादा लोड लेने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक करके आप समझिए, इसको क्लो कहेंगे, इसको अपन बॉल पिन कहेंगे, है ना, और इसको अपन क्या कहेंगे, तो ये स्ट्रेट पिन है, और इसको क्या कहेंगे, इसको क्रॉस कहेंगे। तो सारा का सारा मैंने बता दिया है अच्छी प्रकार से, चारों ऑप्शन। तो यह कौन सा है अपना, क्लॉक हथौड़ा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना 23 नंबर, कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। अगर
गलत सीजनिंग है तो लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? गांठ। गांठ को देखो इंग्लिश में कहते हैं कैनोट, ट्विस्टिंग यानी कि घुमाना, क्रैकिंग जो चटकना होगा, और कूपिंग जो कि कंपिंग होगा, कंपिंग है ना, यहाँ पर कूपिंग लिखा है लेकिन कंपिंग है ना, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से कौन सा अपना आंसर सही रहेगा, कौन सा आंसर सही रहेगा, तो डी ऑप्शन जो कि रहेगा अपना कंपिंग। क्या तो देखिए गलत सीजनिंग से कौन सा दोष उत्पन्न होता है लकड़ी में, तो कंपिंग दोष उत्पन्न होता है गलत सीजनिंग के कारण। ये अभी तक जो है ना आपके भारी भरकम जो बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन रहते हैं ना वो नहीं आ रहे हैं। अभी क्या है कि अभी तो क्या है कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है ना वो नॉर्मल से चैप्टर है, इनमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है ही नहीं है ना, इनको देखना है और समझ लेना है, तो इनमें ज़्यादा डिटेल से कोई ज़्यादा बताने वाली कोई बात ही नहीं, तो इनमें ज़्यादा अपन ध्यान भी देंगे। आगे वाले जो रहेंगे उन पर अपन को फोकस करना पड़ेगा और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। जस्ट सीट फाइव जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है? अब यहाँ पर ये वाला भाग दिया है, इसका यहाँ पर नाम पूछा है, तो ये जो वी आकृति के जो दिए हैं इनका नाम क्या है ये यहाँ पर अपन से पूछ लिया गया है। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो ऑप्शन थोड़े नीचे छुपे हुए हैं। हाँ, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया है जूट फुल फॉर्म थ्रेड और तिरछा मेल थ्रेड समांतर फीमेल थ्रेड। तो देखिए ये जो है ना नीचे वाला भाग होता है ये फीमेल होता है और ऊपर वाला ये तो होगा मेल और ये नीचे रहेगा फीमेल। इससे भी आपको याद रख लेना है मेल और फीमेल के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा देखिए इसमें तो मेल दिए इसमें तो मेल दिया है इसमें फीमेल दिया है तो कौन सा सही रहेगा? तो यहाँ से आपका कौन सा सही रहेगा तो देखिए आपको पता चल ही गया होगा ये कौन सा है तो फीमेल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना सीट के सिरों को मोड़ने है तो किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? देखिए 90 डिग्री के लिए तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था कि 90 डिग्री मोड़ने के लिए तो अपन नोच का प्रयोग करेंगे, ये तो था 90 डिग्री के लिए, अपन ने एक क्वेश्चन पहले पढ़ लिया। फिर एक और क्वेश्चन आया कि सिरे के सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का अपन प्रयोग करेंगे? तो देखिए कौन से नोच का अपन प्रयोग करेंगे तो सीधा नोच, कौन सा नोच रहेगा? सीधा नोच रहेगा जिसका अपन क्या करेंगे प्रयोग करेंगे, बाकी तिरछा नोच वर्गाकार नोच का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि है क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है यहाँ पर अपन से पूछा गया है? तो की वेज काटने में, वर्गाकार नालियां काटना, सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में, बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। तो देखिए यहाँ से कौन सा आंसर सही रहेगा तो ए ऑप्शन सही रहेगा कि की वेज कटिंग, की वेज काटने में अपन क्रॉस कट ठंडी छेनी का प्रयोग करेंगे, इसका इसको अपन काम में लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए कहता हूँ कि इंग्लिश भी पढ़ो। यहाँ पर 900 नहीं लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, जो कि यहाँ से देखने पर पता चल रहा है 90 डिग्री बेंड, यानी कि 90 डिग्री यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ पर ऊपर डिग्री लगा दो। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग किया जाता है? तो अपन ने पहले पढ़ लिया एक क्वेश्चन, वी नोच का अपन क्या करेंगे प्रयोग करेंगे, फिर से क्वेश्चन आया था तो फिर से मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है? तो कंपास आरी, की होल आरी, कोपिंग आरी, फ्रेट आरी। तो देखिए यहाँ से कौन सा सही रहेगा, तो बी ऑप्शन अपना सही रहेगा की होल आरी, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की कटिंग दस्ती आरी का। देखिए की होल आरी कैसी होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, इस प्रकार की होल आरी होती है, यहाँ पर हैंडल लगता होता है, इस तरीके की होल आरी होती है जो कि लकड़ी के आंतरिक, जैसे कि लकड़ी है तो यहाँ पर अपन को छेद करना है अंदर से बारीक बारीक, तो ये की होल आरी का अपन प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना देखिए,
यहाँ पर देखिए स्टैक आ गया। पहले मैंने आपको बताया था स्टैक कैसा होता है, तो देखिए अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि स्टैक कैसा होता है। ये क्या है, यह है आपका स्टैक। हाँ, यहाँ पर पूछा है शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है। इस स्टैक का यहाँ पर नाम पूछा गया है। देखिए ये सूंड जैसा दिख रहा है ना, सूंड जैसा दिख रहा है। यहाँ पर सूंड वैसे दिखा दिया नहीं है, सूंडाकार भी बोलते इसको, सूंडा का है ना, सूंडाकार भी बोलते, लेकिन यहाँ पर सूंडाकार दिया नहीं है। ऑप्शन दिया है वर्गाकार स्टैक, तो आपको यहाँ पर वर्ग जैसा कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो हो गया नहीं। हैचेट स्टैक है, ब्लो हॉर्न स्टैक है, बेवल एज वर्गाकार स्टैक है, तो वर्गाकार तो है ही नहीं। बच्चे दो ऑप्शन आपके सामने जिनमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो कन्फ्यूजन में दूर कर ही देता हूँ आपका। ये कौन सा होगा, तो ये ब्लो हॉर्न होगा। ब्लो हॉर्न, हॉर्न से आप ऐसे याद रख सकते हो, हॉर्न ऐसा होता है ना, ये हॉर्न जैसा है। माइक, माइक स्पीकर लगाते हैं ना ऊपर, माइक देखा है आपने, मस्जिद पे लगा हुआ होता है, तो अपने प्रोग्राम में भी लगाते हैं अपन, तो इस प्रकार का ये माइक है, तो ये उसी तरीके का दिख रहा है, तो इसे याद रख लेना आप, ये ब्लो हॉर्न स्टैक है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने जो कि है औजार का क्या नाम है। औजार देखिए हैमर तो है, हेमर तो अपन को दिया है, लेकिन कौन सा हेमर यह है, यह अपन से पूछा है। क्लॉक हथौड़ा तो यह हो नहीं सकता, क्योंकि क्लॉक हथौड़ा अपन ने पहले ही देख लिया था, है ना, क्लॉक हथौड़ा अपन ने पहले ही देख लिया था। क्लॉक हथौड़ा किलो को निकालने के लिए होता है, लेकिन एक क्लॉक हथौड़ा नहीं है। देखेंगे उसके, तो वह है टैक्स हथौड़ा है, क्रॉस पिन हथौड़ा है, स्ट्रेट पिन हथौड़ा है। तो अपन ने स्ट्रेट पिन हथौड़े के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, क्रॉस पिन हथौड़े के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, सारे के चित्र बना बना के बचा क्या, बी ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा टेक्स हथौड़ा। किताबों में मेरी जिक्र नहीं है, लेकिन इस पीडीएफ में है, ये जो हथौड़ा है ना टेक्स हथौड़ा, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इस पीडीएफ में दिया हुआ है। और इससे कैसे पता करा अपन ने, तो अपन ने क्रॉस पिन हथौड़े के बारे में पढ़ रखा है, स्ट्रेट के बारे में पढ़ रखा है, क्लॉक के बारे में पढ़ रखा है, तो बचा क्या अपने पास, ये टेक्स हथौड़ा, तो यही सही रहेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, चेन ड्रिल के बाद धातुओं को अलग करने हैं तो किस प्रकार की छेनी का अपन प्रयोग करेंगे। चेन ड्रिल के बाद धातुओं को अलग करने हैं तो किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है, चपटी छेनी, जालीदार छेनी, क्रॉस कट छेनी या हीरा पॉइंट छेनी। तो कौन सी छेनी का प्रयोग करेंगे, तो जालीदार छेनी का प्रयोग करेंगे। चेन ड्रिल के बाद धातुओं को अलग करने हैं तो अपन जालीदार छेनी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है अपना 32 नंबर कि किस प्रकार के स्टैक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है अपन को, शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग। शंकु का आकार से अपन को याद रहना चाहिए शंकु क्या होता है, तो शंकु आपको बताऊंगा इस तरीके का, जो बर्थडे पार्टी में जो टोपी लगाते हैं ना बच्चे, वह वाले टोपी कौन से आकार की होती है, शंकु आकार की, है ना। मंदिर की जो गुम्बद होती है वह भी शंकु आकार की होती है। तो ये ऐसे आपको यहाँ पर शंकु आकार के स्टैक का नाम बताना है। स्टैक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग करने या सिमिंग करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको शंकु के आकार बनाना है, तो आप शंकु के आकार के ही स्टैक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वर्गाकार तो हो गए नहीं। हैचेट स्टैक मैंने आपको पहले बता दिया था, ब्लो हॉर्न स्टैक, और यहाँ पर बेवल एज वर्गाकार, तो ये भी नहीं होगा। बचे दो ऑप्शन, फिर से देखिए मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो आया था ये जो आकृतियां हैं, ये कैसी आकृतियां दिख रही है आपको, शंकु के आकार की है कि नहीं है, ये भी एक शंकु के आकार की है, तो ये कौन सा स्टैक था, तो ये कौन सा था, ब्लो हॉर्न स्टेक था ना, ब्लो हॉर्न स्टेक था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ना आप, समझिए आप समझोगे तभी तो काम चलेगा। हाँ, ब्लो हॉर्न स्टेक देखिए, सी ऑप्शन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन ने अभी समझा, ब्लो हॉर्न स्टेक यहाँ पर कंप्लीटली अपना सही आंसर होगा, आप देख लीजिए ये ब्लो हॉर्न है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कि बस ऐसे ही। हाँ, अगला देखिए आप, यहाँ पर देखिए लकड़ी
में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में जो गांठ दोष होता है उसका कारण क्या है? तो दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, शाखाओं की वृद्धि और गलत सीजनिंग। तो लकड़ी में जो गांठ दोष आता है वो किसके कारण आता है? तो वह आता है शाखाओं की वृद्धि के कारण। जो शाखाएं निकलती है, जैसे कि ये लकड़ी है, ये फूलने लगती है, गांठें बनने लगती है इसके अंदर। जो गांठें होती है अंदर वो फूलने लगती है, तो क्या होगा? गलत सीजनिंग, शाखाओं की वृद्धि होगी। अलग से जगह को क्या करेगा वो? दबाएगा मामला के पर, ये क्या है? उस जगह को छोड़ने लग जाएगी, गैप आने लग जाएगा। तो वही कारण है कि शाखाओं की वृद्धि, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से याद रखना, शाखाओं की वृद्धि जो कि गांठ दोष के कारण होता है। तो दोस्तों जो आपका चैप्टर था, चैप्टर कौन सा? तो चैप्टर जो सेकेंड था वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन थर्ड चैप्टर पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी क्लास? क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आपकी कोई समस्या हो, किसी बारे में आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ इसको जरूर शेयर करना वीडियो को। और लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, आपका ही चैनल है, देख लेना आईटीआई से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, और नई एनर्जी के साथ, नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ अपन